अगर हम देखते हैं मोटरोला के पहले के फ़ोन को, तो वहाँ पे आपको फ़ोन के बैक साइड से थोड़ा सा कर्व डिजाइन मिलता था, यानी कि बैक से आपका फ़ोन थोड़ा सा कर्व होता था, जो कि आपके फ़ोन को एक यूनिक लुक देता है। लेकिन मोटरोला के G4 प्लस से आपको जो फ़ोन है, वहाँ पे भैया मोटरोला ने कर्व डिजाइन को बंद कर दिया है। लेकिन एक बार फिर से मोटरोला के G6 सीरीज में आपको एक कर्व डिजाइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मोटरोला के G6 सीरीज में जो है नए फ़ोन आने वाले हैं, जो कि यहाँ पर मोटरोला का G6 प्ले, मोटरोला G6 और मोटरोला G6 प्लस, इन फ़ोन के यहाँ पर काफ़ी कुछ डिटेल लिखी हुई है, कुछ चीज़ यहाँ पे कंफर्म है। आज की इस वीडियो में आपके साथ में इसी के बारे में बात करूंगा, क्या क्या चीज़ें आपको इस फोन के साथ में मिलेगी, किस तरह से आपको ये फोन मिल जाएगा, क्या यहाँ पे इस फोन की प्राइसिंग हो सकती है। तो राम राम दोस्तों, वेलकम टू टेक टॉक जॉकी। तो यहाँ पर अगर मैं मोटरोला ब्रांड की बात करूँ, तो यार मोटरोला के जो फ़ोन होते हैं ना, ये काफ़ी स्ट्रांग फ़ोन होते हैं, यानी कि एक लॉन्ग लाइफ आप यहाँ पे इन फ़ोन के साथ निकाल सकते हो। यहाँ पे ये जो फ़ोन होते हैं, बिल्ड क्वालिटी इनके ज़बरदस्त होती है। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये फ़ोन अभी लॉन्च होने वाले हैं, इनके साथ आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन फ़ोन की जो प्राइजिंग है उसका अनुमान यहाँ पर क्या लगाया जा रहा है, और इसकी जो प्राइजिंग है क्या वो प्राइजिंग यहाँ पर यही हो सकती है या फिर इससे कम ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर जो पहला फ़ोन है वो है आपका मोटरोला का G6 प्ले। इसके साथ आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 430 प्रोसेसर। यह फोन आपका 2 GB, 16 GB और 3 GB, 32 GB के साथ में लॉन्च हो सकता है। इस फोन के साथ आपको जो बैटरी मिलती है वो है यहाँ पे 4000 mAh की। साथ ही यहाँ पे आपको जो कैमरा मिलते हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पे बैक में 12 MP, फ्रंट में आपको 5 MP का कैमरा मिलता है। यह फोन आपका आएगा 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में। ये जो डिस्प्ले होगी, इसका जो साइज है वो है यहाँ पे 5.7 इंच का, और ये डिस्प्ले यहाँ पे HD+ है। अब इस फोन की जो प्राइसिंग यहाँ पे बताई जा रही है वो है यहाँ पे 9000 से 11000 के आसपास। दूसरा फोन है यहाँ पे मोटरोला का G6। इस फोन के साथ आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 प्रोसेसर। ये फोन आपका 3 GB और 4 GB के वेरिएंट के साथ में आएगा, 32 GB और 64 GB मेमोरी के साथ में। यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी आपको मिलती है 3000 mAh की। साथ ही यहाँ पर आपको जो कैमरा है वो आपको बैक में मिलता है 12+5 MP का, फ्रंट में आपको यहाँ पर 16 MP का कैमरा मिलता है, जो कि आपका LED फ्लैश के साथ में आएगा। डिस्प्ले यहाँ पे भी आपको 18:9 की दी गई है, जिसका साइज यहाँ पे अगेन 5.7 इंच है, और ये डिस्प्ले आपको मिलेगी फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। इस फोन की अगर हम प्राइसिंग की बात करें, तो इस फोन की जो प्राइसिंग है उसका अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है 12000 से 14000 के आसपास। अब यहाँ पर अगर हम तीसरे फोन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर मोटरोला का G6 प्लस। इस फोन के साथ में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 630 प्रोसेसर। ये फोन आपका 3 GB, 4 GB, 32 GB और 64 GB के साथ में आएगा। साथ ही यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि इस फोन के साथ में आपको 6 GB वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिल सकता है। इस फोन के साथ आपको जो बैटरी मिलती है वो है यहाँ पे 3200 mAh की। साथ ही यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलेगी वो यहाँ पे 18:9 की होगी, जो कि अगेन यहाँ पे फुल HD+ में होगी, और यहाँ पे जो डिस्प्ले का साइज है वो है यहाँ पे 5.95 इंच का। यहाँ पे जो आपको कैमरा मिलता है वो मिलता है आपको बैक में 12+5 का, साथ यहाँ पे फ्रंट में आपको 16 MP का कैमरा मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे फ्रंट में आपको LED फ्लैश के साथ में देखने को मिलेगा। अब इस फोन की कुछ इमेज लिखी हुई है, जो कि लिखी हुई है टीना पे, तो टीना में आप यहाँ पर देख सकते हो इस फोन की यहाँ पे किस तरह से इमेज लिखी हुई है। ये जो इमेज है ये यहाँ पे मोटरोला G6 की है, लेकिन यहाँ पे ये तीनों फोन आपके लगभग लगभग एक ही डिजाइन के साथ में लॉन्च होंगे। यहाँ पे आपको जो फ्रंट साइड में आप मोटरोला का लोगो देखते थे डिस्प्ले के ऊपर, वो आपको फ्रंट से निकाल के कर दिया गया है बॉटम में। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है बॉटम में ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको तीनों फोनों के अंदर स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 ओरियो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हालांकि बैटरी कम है, लेकिन स्नैपड्रैगन 630 और यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, तो यहाँ पे जो आपको बैटरी है वो काफ़ी, यानी कि एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगी। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी प्राइसिंग का। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले साल जो मोटरोला का G5 प्लस और G5S प्लस लॉन्च हुआ था, वो लगभग लॉन्च हुआ था 17000 के आसपास में, जिसको फिर बाद में कुछ टाइम बाद घट के वो यहाँ पे 15000 समथिंग पर पहुँच गया था। तो इस फ़ोन की प्राइसिंग यहाँ पे क्या हो सकती है, आप ही मुझे बताइए। हालांकि यहाँ पे मोटरोला के जो भी फ़ोन लॉन्च होते हैं, यहाँ पे अगर आपने मोटरोला के पिछले फ़ोन यहाँ पे देखेंगे, जो पिछले फ़ोन लॉन्च हुए थे वो इंटरनेशनल मार्केट से कम प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च करता है, और इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि ये फ़ोन मोटरोला के G6 सीरीज इंडिया में कब लॉन्च होगी, तो यहाँ पे मोटरोला का एक इवेंट है, आई थिंक 19 अप्रैल को एक इवेंट है, लेकिन ये इवेंट होगा यहाँ पे ब्राज़ील में। अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 19 तारीख को ब्राज़ील के साथ साथ इंडिया में भी ये इवेंट हो सकता है, तो देख लेते हैं आने वाले टाइम पे कि ये इवेंट इंडिया में भी होता है या फिर इंडिया में अलग से बाद में कोई और इवेंट यहाँ पे होगा।
तो यही बात आपके साथ शेयर करनी थी, यही फ़ोन की डिटेल आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो काम की लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।